हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइस दिस इज लेक्चर नंबर थर्टीन ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक एमसीक्यूज एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री एंड यू नो पोस्ट प्रोसेसिंग रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री ओके सो लेटेस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एंड बिफोर गोइंग इन दैट ये टू प्लस एम का कोर्स है अभी बार बार बोल रहा हूँ कि ये लेना चाहते हो तो ले लो क्योंकि ये कोर्स जो है ये आप इसकी एडवांटेज आपको इसकी तभी समझ में आएगी जब आप ये एक बार एक्सप्लोर कर लोगे ठीक है तो तीन सौ रुपए का रिस्क है आपके लिए ये सिर्फ लेकिन आपके लिए ये वर्थ इट रहेगा क्विज फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं थर्टी थर्टी क्वेश्चंस के क्विज बने हुए हैं तो वो क्विज सॉल्व करो और उसके बाद फिर देखो कि कितने सही हुए कितने गलत हुए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है जहां पर भी क्वेश्चन की रिक्वायर्ड होती है ठीक है तो रिविजन टेस्टिंग एंड डिटेल्ड कंटेंट सारी रिक्वायरमेंट इसमें आपकी पूरी हो रही है बेसिकली एंड कैटल बिटवीन वॉट एज जो मीट होता है उसको हम कैल्यूज बोलते हैं मैंने आपको लेक्चर नंबर इलेवन के अंदर भी एक सिमिलर क्वेश्चन जो है वो पूछा था उसमें मैंने कहा था कि फिर हम फर्दर ये क्वेश्चंस करेंगे सो कैल्यूज इज मीट ऑफ कैटल बिटवीन द एज ऑफ जीरो टू वन मंथ्स थ्री टू फोर मंथ्स थ्री टू एट मंथ्स नाइन टू ट्वेल्व मंथ्स नन ऑफ ये क्वेश्चन आपको हर जगह पर मिलेंगे नहीं बेटा आप बहुत सारी चीजें बच्चे बोलते हैं कि सर एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस तो इंटरनेट पे फ्री पे पड़े हैं हम तीन सौ रुपए क्यों खर्चे मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि क्वालिटी आप एग्रीकल्चर स्टैटिक के जितने मेरे वीडियोस हैं करंट अफेयर्स के जितने आप मेरे वीडियोस हैं जो भी एमसीक्यूज वाले वीडियोज हैं आप सारे देख लो वो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन और जितना रिक्वायर्ड उसका एक्सप्लेनेशन है वो क्वालिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा ये गारंटी है ओके सो द राइट आंसर इन दिस केस गाइज इज योर ऑप्शन नंबर सी थ्री टू एट मंथ्स ठीक है तीन से आठ महीने बेसिकली उसका अगर मीट होता है वर्ड तो बहुत बार सुना है ठीक है अब देखो कैटल के अंदर अलग अलग टाइप ऑफ मीट आ गया ना आप देख रहे हो ना कि उसके अंदर हमने जैसे लास्ट क्लास के अंदर देखा था व्हील था जिसमें थ्री टू फोर वीक्स आफ्टर बर्थ वाला जो मीट है वो वील हो गया कैल्यूज थ्री टू एट मंथ्स हो गया बीफ कितनी एज में बेसिकली कितनी एज से ऊपर वाले कैटल का जो मीट होता है उसको बीफ बोलते हैं चार महीने से ऊपर छह महीने से ऊपर आठ महीने से ऊपर बारह महीने से ऊपर नन ऑफ दी अब अब देखो ये कितना हम कॉमनली uh, ये टर्म्स यूज करते हैं बीफ एंड ऑल लेकिन अपने को पता नहीं होता कि ये एक्चुअल में किस पर्टिकुलर कैटल के लिए होता है सो बेसिकली बीफ जो टर्म होता है ना वो उन कैटल्स के लिए होता है हुज एज इज ओवर ट्वेल्व मंथ्स दैट इज जो एक साल से ऊपर की एज वाले कैटल होती है उसके लिए उसका जो मीट होता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बीफ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ थर्ड क्वेश्चन कैर्कसेस ऑफ यंग शीप यूजुअली फ्रॉम डैश मंथ्स ओल्ड वन इज टर्म्ड एज यर्लिंग मटन कौन सी एज ग्रुप की शीप का जो मीट होता है उसको यरलिंग मटन बोला जाता है ठीक है यरलिंग मटन बोला जाता है ऑप्शन ए छः से आठ महीना ओल्ड आठ से बारह महीने ओल्ड बारह से बीस महीना चौबीस महीने से ज्यादा या नन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो ये आपका ऑफ मीट जो है बेसिकली हाँ पर ये कवर हो गया है व्हील हो गया कैल्यूज हो गया बीफ हो गया और ईयरलिंग मटन आ गया ईयरलिंग मटन जो होता है वो दोस्तों 12 से 20 मंथ ओल्ड होता है ठीक है 12 से 20 मंथ अच्छा एक आपका जैसे यूज होता है ना जिसको हम बोलते हैं जो नॉर्मल आपका मटन होता है ठीक है जो लैम्ब से बेसिकली हम प्रिपेयर करते हैं वो होता है जब आपका जो एनिमल होता है वो 12 मंथ से छोटी एज का होता है ठीक है 12 मंथ से छोटी एज का ओके okay? और एक और टर्म यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए पोर्क आई थिंक आप जानते हो पोर्क क्या होता है स्वाइन मीट होता है पिग मीट होता है चलिए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं फटाफट से विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ मीट इज नेवर एज्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई फैट कंटेंट इनमें से कौन से टाइप ऑफ मीट की कभी को कभी एज नहीं किया जाता उसके हाई फैट कंटेंट की वजह से अब इसमें यह भी पता होना चाहिए कि ये एज की जो यहाँ पर बात कर रहे हैं एजिंग ऑफ मीट बेसिकली जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है तो सबसे पहले तो कौन से मीट की कभी एजिंग नहीं की जाती वो यहाँ पर क्वेश्चन है और आपका जो बेसिकली पॉर्क होता है ना जो स्वाइन मीट होता है उसकी कभी भी एजिंग नहीं की जाती है ठीक है सो स्वाइन मीट की एजिंग कभी नहीं होती है आंसर यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा तो एजिंग ऑफ मीट की बेसिकली बात करें तो इसके अंदर बेसिकली होता है क्या है एजिंग ऑफ मीट के अंदर पहले तो मीट को एक से दो दिन बिल्कुल ठंडा किया जाता है ठीक है और उससे क्या होता है उसका जो एक तरह से रिगर होता है ना जो स्ट्रेंथ होती है वो लूज हो जाएगी मसल्स जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी आफ्टर यू कीप इट इन कोल्ड फॉर वन टू टू डेज एंड फिर आप उसको बाहर निकालोगे उससे उसका फ्लेवर भी इंप्रूव होता है जूसीनेस भी इंप्रूव होती है ठीक है इसको हम बोलते हैं एजिंग ओके या राइपनिंग ऑफ मीट ठीक है मीट जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा ओके नाउ बीफ इज द ओनली काइंड ऑफ मीट जिसको कॉमर्शियली एज किया जाता है क्योंकि जो बीफ का मीट होता है ना वो काफी हार्ड होता है लैम्ब और मटन को भी कभी कभी एज किया जाता है लेकिन जो पॉर्क होता है ना उसकी कभी भी एजिंग नहीं की जाती क्योंकि उसके अंदर फैट कंटेंट बहुत हाई होता है ठीक है एंड एजिंग बेसिकली इनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए होती है और जो जूसेज वगैरह होते हैं ना मीट के अंदर वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं थ्रू एजिंग

तो इसमें से आपका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव ये सब मेथड्स को यूज़ किया जाता है मीट्स की मीट की टेंडराइजेशन के लिए कोल्ड रूम स्टोरेज जो हमने एजिंग ऑफ मीट देखा अभी वो भी एक तरह से आपके मीट को टेंडर कर रहा है उसके अलावा आप मैकेनिकल मेथड्स यूज कर सकते हो पाउंडिंग उसको बेसिकली मीट को बीट करना डंडे से या किसी चीज़ से उसमें कट्स लगा देना उसको ग्राइंड करना उसमें कई बार नीडल्स से हल्के हल्के होल कर दिए जाते हैं ठीक है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन आप कर सकते हो तो उससे क्या होता है ना उसके जो मसल फाइबर्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं जिसकी वजह से जूसेज वगैरह मीट के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे और वो सॉफ्ट भी हो जाएगा ठीक है उसके अलावा आप उसको पपाया लीव्स में रैप कर सकते हो मीट को वो भी उसकी टेंडराइजेशन के अंदर हेल्प करता है नमक को यूज किया जाता है बहुत जगहों पर मीट को टेंडराइज करने के लिए क्योंकि सॉल्ट जो है वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंप्रूव कर देता है ओके उसके अलावा आप पीएच चेंज कर दो अगर मीट का तो वो भी टेंडराइजेशन के अंदर हेल्प करता है एक्सरसाइज एनिमल है अब देखते हो आप जो एनिमल्स को बेसिकली स्पेशल रखा ही इसीलिए जाता है ताकि उन को मीट पर्पज के लिए यूज किया जा सके तो उनको मैदान में खुले छोड़ दिया जाता है उसका रीजन ये होता है ताकि जो अच्छे से एक्सरसाइज जो एनिमल अच्छे से मूवमेंट कर रहा है भाग दौड़ कर रहा है एक्सरसाइज कर रहा है तो उस एनिमल का जो मीट है वो टेंडर होगा एज कंपेयर टू अगर कोई ऐसा एनिमल है जिसको एक जगह पे आपने बांध के रखा हुआ है जिसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है ओके okay? के अंदर कितना protein होता है? है, ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम, 30 ग्राम या none of the above. इतना important question नहीं है, लेकिन ये मैंने इसीलिए लेकर के पर ताकि मैं आपको एक चार्ट दे सकूँ वो चार्ट आप कर सकते हो अभी तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा जो बच्चे इस साल का आईबीपीएस देने जा रहे हैं वो अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो इसको याद करने की कोशिश भी मत करना कोई फायदा नहीं है लेकिन बाकी के एग्जाम्स के लिए आगे के एग्जाम्स के लिए इसको आप अपनी स्टडी टेबल के ऊपर लगा सकते हो सो so, आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन बी बीस ग्राम होता है लीवर गोट के अंदर प्रोटीन तो ये बेटा न्यूट्रेटिव वैल्यू है एनिमल फूड की इसके अंदर किस मीट के अंदर कितना एनर्जी मॉइस्चर प्रोटीन फैट मिनरल फाइबर कार्ब्स कैल्शियम फॉस्फोरस आयरन तो जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं मीट के वो यहाँ पर गिवन है इसके अंदर से सारे याद करने की जरूरत नहीं है वैसे तो सारे भी कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ छोड़ सकते हो जैसे एग डक छोड़ देना एग टर्टल छोड़ देना उसके बाद आप इसके अंदर फाउल छोड़ सकते हो और आप पिजन छोड़ सकते हो पूछते नहीं है इतना टर्टल्स मीट छोड़ सकते हो वेनिसन छोड़ सकते हो बाकी के सारे आप थोड़ा थोड़ा इसमें धीरे धीरे वैल्यूज अगर याद कर लोगे और वैल्यूज में भी सारी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है मैं आपको इसमें बताता हूँ आप एक तो प्रोटीन को याद कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं तो और एक फैट को याद कर लें प्रोटीन और फैट याद कर लें बाकी आप चाहे छोड़ दें क्योंकि ज्यादातर चांसेस जो है वो प्रोटीन और फैट में से ही है कि वो क्वेश्चन पूछेगा विथ दिस वी कम टू द एंड ऑफ अनदर लेक्चर आई होप इंजॉय किया होगा इसको भी एंड अगेन कोई भी डाउट हो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच टेलीग्राम व्हाट्सऐप मेल एनी रूट ओके एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना है मिलेंगे नेक्स्ट ने लेक्चर में टेल देन टेक केयर एंड बाय